नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश, आप देख रहे हो मेरा चैनल ओपी के टेक जेबीएस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी एलयू की आईडी बैंड होने से कैसे बचाएं। तो चलो दोस्तों, सिंपली मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि एलयू की आईडी बैंड होने से कैसे बचाएं। तो चलो सिंपली मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सिंपली मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलयू की आईडी बैंड होने से कैसे बचाएं। तो आपको सिंपली ओपन कर लेना एलयू ऐप। एलयू ऐप ओपन करने के बाद आपको सिंपली जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे और सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली टच कर देना है। इस पे टच करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर का नाम आएगा, तो आपको यहाँ से क्लियर कर देना है। यहाँ पर आपको एमबी शो करेगी, यहाँ पे आपकी बहुत सारी एमबी होगी अगर रिपोर्ट लगी होगी तो। आपको यहाँ पर ऊपर वाले पे यहाँ से एमबी क्लियर कर देनी है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर सिंपली टच कर देना क्लियर वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ से आपको एमबी कर देनी क्लियर। यहाँ पर अगर रिपोर्ट लगी होती, अगर यहाँ पे अगर आपकी रिपोर्ट लगी आईडी पे, तो यहाँ पे एमबी बहुत सारी होगी, तो आपको यहाँ से एमबी क्लियर कर देनी है। आपको जीरो एमबी रखनी है हमेशा, तब आपकी आईडी बैंड नहीं होगी। तो दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है ये, आप भी अपनाइए अपनी आईडी पे, बैंड होने से बचाइए अपनी आईडी को। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि जब भी मैं अगर न्यू वीडियो अगर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।